तो आज हम बात करेंगे आपके साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में। कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज क्या होता है, जैसे कि आप अगर कुछ भी नंबर टाइप करते हैं, उस नंबर को आपको अलग दिखाना है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे चेक नंबर टाइप किया, राइट? यस। और चेक नंबर में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे 00458 लिखते हैं तो क्या जीरो रहेगा? जीरो नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। यस। जीरो ना रहने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि नंबर में जीरो आगे नहीं लगता, इसलिए जीरो नहीं दिखेगा आपको। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंगल कोट लगाते हैं तो 00 लिखते हैं, राइट? तो नंबर जो है टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है सर? यस। तो यहाँ पे हम आप अगर टाइप करेंगे तो सिंगल कोट लगा देंगे, लेकिन किसी ने आपको टाइप करके ऑलरेडी भेजा है फिर उसमें कैसे करेंगे आप? तो उस केस में हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ फॉर्मेट के अंदर नंबर और नंबर से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट है, जैसे कि पर नंबर हो गया, परसेंटेज हो गया, साइंटिफिक हो गया, अकाउंटिंग हो गया, करेंसी हो गया, डेट टाइम हो गया, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ भी इसने दिया हुआ है 00, एक डिफॉल्ट दिया हुआ है कि आप 00 लगाइएगा तो 0 आपका यहाँ पे दिख जाएगा, लेकिन जस्ट दिख रहा है आपको, ओरिजिनल नहीं। मान लीजिए कि ये आपका 15-24 है ना सर, तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट लगा के 00152524 कर दिया। अब मैं इन दोनों के बीच में कोई कंडीशन लगाऊंगा तो नहीं लगेगा। फॉल्स आया, देख रहे दोनों एक जैसा है। तो रीजन ये हुआ कि कंडीशन फॉर्मेटिंग जो है आपको यहाँ पे 1424 को विजुलाइज कर दिया 00152524 को, लेकिन ये एक्चुअल में आपका 1524 है, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि कोई भी फॉर्मेटिंग, किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग आपके डेटा को जस्ट विजुअल, उसकी विजुलाइज को चेंज कर सकता है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता है। यस। ओरिजिनल वैल्यू को चेंज करने के लिए आपको टेक्स्ट फॉर्मूला होता है, वो टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना होगा और जो चीज आपने अपने कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर डाली से 00000 और एंटर प्रेस करें तो आपका सेम रिटर्न होगा। मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, ऑटो फिल हो जाएगा। अब जो है दोनों आपस में बराबर होंगे, इस ए इसके बराबर होगा। क्लियर है? यस। तो और क्या क्या है, अब जैसे चलिए बताता हूं आपको कि मैंने यहां पे लिखा MRP 500, ये तो टेक्स्ट हो गया क्योंकि मैं इस पे अब कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकता, ठीक है? तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम 500 टाइप कर रहे हैं और मुझे इसमें MRP 500 को शो करना है। तो अभी हमें यहां पे देखा आपने कि जीरो यूज किए, हम हैश भी यूज करते हैं, तो जीरो हैश का यूज होता है, एक बार समझ लीजिए। फॉर्मेट के नंबर फॉर्मेट में गए और यहां पे मैंने कस्टम नंबर फॉर्मेट पे क्लिक कर दिया, राइट? यहाँ पे पहले से बने बनाए कुछ कोड है, इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन आप यहां मुझे यहां डालना है इन्वर्टेड कॉमा में MRP, ठीक है? अब मैं जब इसको अप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे कि MRP दिख रहा है सिर्फ, नंबर नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको नंबर, माना कि जो टेक्स्ट आपने प्रीफिक्स लगाया है, सफिक्स लगाया है, जो नंबर दिया है उसके बाद भी आपको शो करवाना है अपना टेक्स्ट, तो उसके साथ हैश और जीरो देना पड़ेगा। तो इसके आगे मैंने अगर जीरो दे दिया, देन यहाँ पे दिख रहा है आपको 1, 5, 3, 1, 2, 3, 5 दिख रहा है, हमने ओके कर दिया, आपको दिखेगा। हमने क्या दिया था, हैश दिया था, राइट?
तो हैश में और जीरो में सिंगल जब डालते हैं तो कोई फर्क नहीं, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे 1 5 कर दिया, तो यहाँ पे देखिए एमआरपी 5 दिख रहा है। अगर मैं यहीं पे जीरो डालूं, डबल टाइप डबल जीरो डालूं, तो क्या होगा वो 0 5 दिखेगा। यहाँ पे हमने डबल जीरो कर दिया एंड अप्लाई, देखिए 0 5 दिख रहा है, दिख रहा है सर। तो हैश या जीरो आपको अगर किसी भी नंबर के साथ कोई चीज ऐड करते हैं फॉर्मेटिंग में, तो आपको जीरो या हैश देना पड़ेगा। अगर हैश आप देते हैं तो क्या होगा, आपकी फिर वैल्यू आएगी। हाँ आपका जो नंबर है जो टाइप करेंगे वैसा ही दिखेगा, लेकिन जब आप डबल जीरो करते हैं तो वो जीरो को जितना जीरो डालेंगे उतना डिजिट को मेंटेन करेगा, और इसके ऊपर हम किसी भी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये दिख रहा है टेक्स्ट है नंबर बट एक्चुअली में नंबर है। और क्या क्या कर सकते हैं, तो चलिए इसके इसमें और हम चीज देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए कि मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर में मैं +91 डाल के नंबर डालता हूं, तो एंटर मारते ही देखिए एरर देता है। एरर क्यों दिया, क्यों दिया सर एरर, ये एरर क्योंकि सर वो वैल्यू नहीं थी इसमें। जी हाँ वैल्यू नहीं थी, वैल्यू की नहीं उसकी बात नहीं, हमने क्या किया था फॉर्मूला लगा दी। ऑन किया था राइट। तो यस स्प्रेडशीट हो या आपका एक्सेल हो, प्लस से और इक्वल से फॉर्मूला स्टार्ट होता है, यस तो उसने समझ लिया कि दिस इज द फॉर्मूला, तो मुझे यहां पे क्या करना होगा कि सिंगल कोट लगाना होगा, लेकिन बार बार सिंगल कोट लगाना थोड़ा सा टिपिकल है। तो हमने क्या किया, एक एरिया को सिलेक्ट कर लिया जहां हम टाइप करना चाहते हैं, देन हम फॉर्मेट में गए, नंबर में गए, और यहाँ नंबर फॉर्मेट, और हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे +91 उसके बाद 1 0 डाल दीजिए या एक हैश डाल दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे 8802579388 +91 नहीं लगाया है, एंटर मारिए देखिए +91 आपके यस पास ऑटोमेटिक लग के आ गया। उसी तरीके से मेरे पास आईडी है, आईडी के अंदर में अगर मान लीजिए हम हर 3 डिजिट के बाद इसके अंदर डैश लेना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 1 2 3 हैश डैश 0 भी डाल सकता हूं मैं, ठीक है ना। 0 हैश कब डालेंगे पता चल गया आपको, यस एंड मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अब मैं यहां 9 डिजिट का आईडी डालूंगा 1 2 3 4 5 6, तो आप देखेंगे हर 3 डिजिट के बाद मेरा आईडी बदल गया। अब मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड नंबर है, ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड नंबर जो हमें मिलता है वो मिलता है 8 डिजिट का, 16 डिजिट का होता है बट 8 डिजिट की मिलता है कुछ यस इस तरह से, और मुझे फिर एक्स 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 स्पेस एक्स 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 एने मिलता है। अब देखते होंगे स्टेटमेंट में। यस अब मुझे क्या करना है कि मैं यहां टाइप तो ऐसा ही करूं, मतलब मैं जो टाइप करूं वो 8 डिजिट का ही करूं, वो बीच में एक्स एक्स वो अपने आप लगा दे, ठीक है। यस तो नंबर फॉर्मेट के अंदर हम नंबर फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, नंबर फॉर्मेट, और इसमें हम करेंगे 0 0 0 0 4 बार 0, यस फिर इन्वर्टेड कॉमा में एक्स 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 फिर एक्स 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 एक्स, ठीक है ना, फिर वापस 0 0 0 0, ठीक है, एंड यस अप्लाई। अब देखिए सर यस इस तरह से यूज कर सकते हैं।
अब इसमें आगे भी देखें तो जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ये डाला हुआ है 15 रुपये 65 पैसे, तो ये तो प्लस में ले लिया 15 रुपये 65 पैसे। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैं गया नंबर फॉर्मेट के अंदर, नंबर फॉर्मेट में मैं यहाँ पे कस्टम नंबर फॉर्मेट पे आया और यहाँ पे हमने क्या किया, 0 हैश, और यहाँ पे दिया रुपीज .00 पैसे। ओके देखिए सर, इस तरह यूज करते हैं। उसी तरह से अगर कोई डेट अगर आपने डाल रखा है तो डेट की भी अपनी फॉर्मेटिंग होती है, डी 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 से होता है, 2 बार D अगर करते हैं, एक D करते हैं तो आपको 1 आएगा, 2 बार DD करते हैं तो आपका 0 1 आएगा, 3 बार DD करते हैं, सॉरी मंथ 3 बार DD करते हैं तो क्या आएगा, संडे मंडे, यस अगर 4, यहाँ 3 बार होगा ना सर, 4 बार होता है तो क्या होता है, पूरा संडे मंडे आता है, यस कंप्लीट लिखा हुआ, सेम मंथ में और सेम वाई में यूज होता है। यस अपने हिसाब से उसको जैसा मर्जी ऐसा फॉर्मेट बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपके सामने फॉर्मेट। अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नंबर फॉर्मेट में, तो यहाँ ऑलरेडी हमारे पास डेट एंड टाइम का फॉर्मेट होता है, जिसमें आप अपने हिसाब से यहाँ ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि डी 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 4 बार D, 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 देन MMM, तो यहाँ पे स्लैश कर देता हूँ, स्लैश MM, MM, देन YY, ठीक है। दोबारा यहां से तो मुझे इसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा कोई। मतलब कि मुझे यहां से नहीं होगा, मैं यहां से नहीं ले सकता, मुझे हाँ यहां टाइप नहीं कर सकता, यहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ट्यूजडे मंथ, हमें इसको उठा के सही मंथ, क्या हम इसको नंबर में जाकर रख सकते हैं, 1 मिनट नंबर इस पे आते हैं, आप डायरेक्ट नंबर फॉर्म में जाकर रख सकते हैं, यस ठीक है सर, क्लियर है। यस और एक चीज और हम करते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मेट नंबर कस्टम नंबर फॉर्मेट यहाँ पे मैं कर देता हूँ P सेमी कॉलन, देखिए पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, तो देखिए क्या होता है, 4 प्लेसमेंट होती है, समझे। मान लीजिए कि ए मेरा पास जो है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, यस तो मैंने यहाँ पे क्या किया फॉर्मेट में नंबर में, हमने यहाँ पे कस्टम नंबर फॉर्मेट में आए और यहाँ पे हमने इन्वर्टर कॉमा में लिखा प्रॉफिट, ठीक है, देन सेमी कोलन दिया, हमने दिया लॉस, इन्वर्टर कॉमा में, ठीक है सर, लॉस,
सेमी कॉलन दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस, फिर सेमी कॉलन, नो डेटा। अब इसको अप्लाई कीजिए। अब क्या होगा कि यहां पे अगर आप कोई प्रॉफिट नंबर लिखते हैं प्लस में, तो उसके सामने दिखेगा प्रॉफिट, नंबर नहीं दिखेगा। नंबर आप ज्यादा नंबर दिखे तो प्रॉफिट लॉस के बाद जो है अपना ये डाल दीजिए, वो जीरो हैश डाल दीजिए। यस यस। नेगेटिव डालेंगे तो लॉस दिखेगा, जीरो डालोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, और कोई टैक्स डाल दोगे तो क्या दिखेगा, नॉट डेटा। तो ये चीज आप कर सकते हैं। दूसरा होता है कि आप कंडीशंस के अकॉर्डिंग कलर भी इसमें कलर भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल हम बताते हैं आपको। एक इसके लिए मुझे एक अटेंडेंस फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे नेम ले लिया, और यहाँ पे हम डेट ले लेते हैं। इसमें जो है रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा देता हूं। ये मेरा मान लीजिए कि बायोमेट्रिक डेटा आया हुआ है, ठीक है, बायोमेट्रिक डेटा आया है जिसमें बताया गया है कि किसने कितना बार अपना कार्ड को पंच किया, ठीक है सर, किसने कितना बार कार्ड को पंच किया। अब मुझे इसमें इसको अटेंडेंस शो करना है, जीरो जो है इट मींस अब्सेंट है, और जो नंबर में है वो परसेंट जिसका एक भी कार्ड का डेटा नहीं है, वो मतलब कार्ड का एक भी डेटा नहीं, मतलब कि उस दिन वो अब्सेंट था, और जिस दिन कार्ड का डेटा है, मतलब कि अपना कार्ड स्वैप किया है, कार्ड स्वैप किया तो आया है, या थंब स्वैप किया है तो आया है क्या, वो कार्ड स्वैप करके वही डूट जो है ओपन होता है। तो हमने इस पर राइट क्लिक किया, और हम माफ कीजिए राइट क्लिक नहीं, हम फॉर्मेट में चले गए, और हम नंबर फॉर्मेट के कस्टम नंबर फॉर्मेट में आते हैं, और यहां हम क्या करेंगे, यहां हम देंगे पी पॉजिटिव, निगेटिव हमारे पास है ही नहीं तो हम उसको छोड़ देते हैं, ब्लैंक कर देते हैं, जीरो ए कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको अप्लाई करता हूं, देखिए आपका नंबर पी और ए में कन्वर्ट हो गया। हो गया। अब मैं वापस नंबर फॉर्मेट के कस्टम फॉर्मेट में आता हूं, क्या अब्सेंट को कलर किया जा सकता है? यस सर। तो बड़ी ब्रैकेट में मैं यहाँ पे जो है रेड लिखता हूं, ओके, तो रेड ब्लू श्याम मजंता आप इसमें डाल के कलर कर सकते हैं, राइट सर? यस सर। तो कलर भी कर सकते हैं, बस कलर के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना होगा। ये थी हमारी कस्टम फॉर्मेटिंग, राइट सर? यस सर। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मंडे को हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। यस। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल कर लीजिएगा सर। एक प्रॉब्लम मेरे आ रही थी।